एक ऐसा बहादुर सिपाही जिसने तलवार के बजाय कुल्हाड़े को अपना हथियार बनाया और 125 साल की लंबी उम्र पाने के बावजूद आखिरी दम तक कुफार से लड़ते रहे, जिन्हें आज दुनिया तुर्गुत अलब के नाम से जानती है। अर्तगल गाजी के सबसे वफादार सिपाही थे और उनकी वफात के बाद तुर्गुत अलब सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान गाजी के भी वफादार रहे और हुकूमत में उनके मुआविन थे। सल्तनत उस्मानिया के पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जिसने 99 साल की उम्र में सल्तनत उस्मानिया का पहला किला अनातोलिया फतह किया था और सल्तनत उस्मानिया की चार नस्लों के साथ मिलकर जंगें लड़ी। वो जंग में तलवार की जगह कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल करते थे। जिंदगी में 7 कुल्हाड़ियां इस्तेमाल की, जो आज इस्तांबुल के मिलिट्री अजायब घर में मौजूद है। 125 साल की उम्र में एक किले को फतह करते वक्त इस हालत में शहीद हुए कि कुल्हाड़ी उनके हाथ में थी और सीने से खून बह बह कर रेतीली जमीन को सैराब कर रहा था।